हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महिमा। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो वुमेन ट्रेडर पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और यहाँ पर हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में कैसे परफॉर्म कर सकती है और हमारे लिए क्या क्या टारगेट्स निकल कर आए हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बने रहिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अवली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ जहाँ पर इसने क्लोजिंग करी है, तो फ्रेंड यहाँ पर जो है 35,600 का लेवल जो है वो एक मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसने बार बार सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद जब इसने इसको ब्रेक किया है तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। अब फ्रेंड ये इसने इस रेजिस्टेंस को देखिए यहाँ पर फेस कर रही है और क्लोजिंग यहीं पर दी है। तो मंडे के सेशन में जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसे ये सस्टेन करके अपसाइड की तरफ मूव करेगी तो हमें जो है यहाँ पर एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है हमें 36,300 का लेवल आने वाले टाइम पर हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि मंडे के सेशन में कौन कौन से लेवल्स निकल कर आए हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 2 दिन से मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ मूव कर रही है। 2 दिन जो है इसका रेजिस्टेंस जो था 34,800 का लेवल, ये क्रॉस होने के बाद इसने एक बड़ा मूव दिया है। तो अब कल के सेशन में थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे डाउन साइड की तरफ मूव करे। तो फिलहाल तो ये मंडे के सेशन में पता चलेगा, और अभी फिलहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी जो फ्लैट रेंज है वो क्या है। तो हमारे लिए जो फ्लैट रेंज है फ्रेंड, तो वो यहाँ पर हमारे लिए फ्लैट रेंज होने वाली है यहाँ पर 35,600। ये एरिया थोड़ा सा रिस्की एरिया है फ्रेंड, ये हमारे लिए जो है रेंज, ये फ्लैट रेंज है। अगर इस रेंज में मार्केट ओपन होती है यानी बैंक निफ्टी ओपन होती है और उसके बाद अपसाइड की तरफ मूव करती है, तो हमारे पास जो लेवल होंगे, लेवल जो हमारे पास निकल कर आ रहा है वो है 35,000। तो फ्रेंड एंट्री जो हमें लेनी है वो 35,700 के बाद एंट्री लेनी है, क्योंकि फ्रेंड अगर आप इस रेंज में अगर कहीं पर भी एंट्री लेंगे तो आप फंस सकते हैं। इसलिए आपको एंट्री 35,700 के बाद लेनी है। तो हमारे पास जो पहला टारगेट निकल कर आएगा वो होगा हमारा टारगेट 35,930 का लेवल। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला टारगेट हमारा 35,900 का लेवल होगा, और यहाँ पर अगर इससे भी ब्रेक करता है तो हमारा जो जो लेवल होगा वो होगा 36,000 का लेवल। यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा फंस सकती है, और अगर इसे भी ये ब्रेक करेगी तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा हमारे पास 36,150 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है मंडे के सेशन में या आने वाले टाइम पर। तो फिलहाल हम देखेंगे कि कल कहाँ पर ओपनिंग होती है यानी मंडे को, और अगर इस रेंज से ये डाउन साइड की तरफ मूव करेगी तो डाउन साइड की तरफ आपको जो आपकी जो एंट्री बनेगी आपकी एंट्री बनेगी 35,200 के बाद आपकी एंट्री डाउन साइड की तरफ बन सकती है, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर ये जो एरिया है ये थोड़ा सा रिस्की एरिया है, यहाँ पर आप जो है फंस सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी 35,250 के बाद। फ्रेंड यहाँ पर एंट्री आपकी बनेगी 35,250 के बाद की एंट्री आपकी बन सकती है, और अगर यहाँ पर ये इसे ब्रेक करती है और तो हमें यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा 35,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है फर्स्ट टारगेट में। और उसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट यानी कि जो इसका मेजर रेजिस्टेंस था पहले, तो यहाँ पर हमें टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड 34,800 का लेवल।
हमें देखने को मिल सकता है। चलिए मैं इसे यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए फ्लैट रेंज है। अगर मार्केट जो है इस रेंज में ओपन होती है तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ओपन होकर ये अपसाइड की तरफ मूव करेगी तो हमें ये जो है यहाँ पर ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग करती है, गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद हमें प्राइस एक्शन देखना होगा कि ये डाउन साइड की तरफ मूव करती है या अपसाइड की तरफ, तो वहाँ पर हम फिर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर हम जो हमारे टारगेट्स होंगे वो हम वहाँ पर देखेंगे। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं लेबल लगा देती हूँ। तो फ्रेंड, फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर होगा। फर्स्ट टारगेट हमारा 35,900 का लेवल है। सेकंड टारगेट हमारा छोटा सा लेवल 36,000 का। और अगर ये ब्रेक होगा तो फिर हमारे पास जो सेकंड होगा वो 36,150 का लेवल, और उसके बाद हमें यहाँ पर ये टारगेट देखने को मिल सकता है 36,300 के पास का लेवल। ये अपसाइड की तरफ के लेवल्स हैं। अगर ये डाउन साइड की तरफ मूव करेगी तो हमें जो एंट्री लेनी है वो 35,250 के बाद ही एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर निकल कर आएगा 35,000 तक का लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पर 34,800 का लेवल, जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस था, जिसे ब्रेक करके 2 दिन से मार्केट जो है अप साइड की तरफ मूव कर रही है। तो फ्रेंड, ये हमारे लिए जो है लेवल्स हैं। अब देखते हैं मंडे को मार्केट जो है कहाँ पर ओपन होती है। तो फ्रेंड, चलिए अब वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।